Hello everyone, once again welcome to our channel for improving your English. And today's video is for boards 2022 candidates for term 2 class 10th English. Yes guys, for today's video you all have to understand the boards and pre-boards preparation syllabus for 2022, and in this video I will clear or launch a very important topic which is very concern for these time in for students as well. So concern of topic is boards 2022, which will start from 26th April as notified by CBSE and in my earlier short. So playlist launch for English class 10th and 12th boards, but in this video, today's video, I will discuss upon boards and pre-board syllabus. Yes guys, आपको क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानने से पहले कि आपको क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, पेपर देने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या 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 आएगा, सिलेबस क्या है आपका. सबसे पहले सिलेबस क्लियर होना चाहिए, दैट्स वाई ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी टर्म टू का, क्लास टेंथ का. एंड नेक्स्ट वीडियो क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस पे लेकर के आने वाले हैं हम. तो टर्म टू इंग्लिश क्लास टेंथ सिलेबस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि प्री बोर्ड्स के आ चुके कई प्राइवेट स्कूल्स के आप लोगों के डेट शीट, बट जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके नहीं आए तो वो आ जाएंगे जल्द ही. तो चलिए समझते हैं यहाँ पे हम लोग. स्कूल हैज़ गिवन डिफरेंट डेट शीट फॉर प्री बोर्ड्स एंड सिलेबस फॉर प्री बोर्ड्स, बट बोर्ड CBSE टर्म टू ऑफिशियल सिलेबस विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली. सो जो बहुत पहले जब टर्म वाइज वो सर्कुलर लेकर के आए थे तो उन्होंने रिलीज कर दिए थे आप लोगों के, खास करके टर्म टू के, टर्म वन के सर्कुलर टर्म वाइज 10-12 बोर्ड्स वालों के रिलीज कर चुका है CBSE. तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइज, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग इन दिस वीडियो. इट विल बी क्लियर दैट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू कम इन दिस वीडियो. आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स. ओके गाइज, सो रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पार्ट टर्म टू में आपको, जैसा कि पता है कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम वही देख रहे हैं गाइज. तो पेपर सिंपल सैम्पल पेपर को आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना. सैम्पल पेपर इज द मोस्ट यूजफुल थिंग विच यू हैव टू विजिट, एंड अर्लियर वीडियो माई सैम्पल पेपर पे आई बटन में मिल जाएगी आप लोगों को. एंड रिटर्न आपको इस बार लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं बोर्ड्स के लिए 2022 में, टेंथ के टर्म टू के लिए खासकर गाइज. तो रिटर्न प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ पर फोकस रखना है अपना, कि एनालिटिकल पैराग्राफ आने वाला है आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में. कितने मार्क्स में आने वाला है ये, इस बार 5 मार्क्स में आने वाला ये, और आपका लेटर में ऑप्शन होगा. लिटरेचर में आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर राइटिंग टिप्स मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, कैसे आएंगे, कैसे आपको लिखना है लॉन्ग या शॉर्ट दोनों, तो वही हम देखेंगे गाइज. सिलेबस देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आने वाला है रीडिंग, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में. सो जो ए और बी सेक्शन होता है जिसमें कि आपका रीडिंग होता है, ग्रामर होता है और राइटिंग होता है, उसमें क्या क्या आने वाला है आपका टर्म टू के लिए, ये CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से दिया गया है. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, सो अनसीन पैसेजेस आएंगे आपके, डिस्कर्सिव पैसेज आएगा एक 400-450 वर्ड्स का, और केस बेस आएगा एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल डाटा वाला, 300-350 वर्ड्स का होगा वो, शॉर्ट होगा, और उसमें से क्वेश्चंस होंगे आपके और आपको आंसर लिखने होंगे. राइटिंग स्किल्स में आपका आएगा फॉर्मल लेटर, ठीक है, बेस्ड ऑन सिचुएशन लेटर ऑफ ऑर्डर आने वाला है और लेटर ऑफ इंक्वायरी, तो ये दोनों आपके लेटर आने वाले हैं. एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन आउटलाइन, चार्ट, मैप और ग्रामर में टेंसेस पूरा सेम रिपीट हो जाएगा. रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स, ये सारी चीज़ आपके रिपीट हो रहे होंगे. रिपोर्टेड स्पीच जिसकी वीडियोस हम पहले दे चुके हैं आप लोगों को, जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में. स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस आप लोगों के, ये सारी चीज़ें जरूर आने वाली है गाइज. तो ये ग्रामर का और रीडिंग का आपको क्लियर हो गया होगा. लिटरेचर की बात करें सेक्शन सी में टेंथ का खासकर, सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स एंड टेक्स्ट टू असेस द इंटरप्रिटेशन, इंटरफेयर, एक्सप्लोर, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड टू द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट. सो फर्स्ट फ्लाइट में से आपका क्या कहने वाला, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आपके आपको इंटरफेयर करना होगा, इसमें इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन होंगे. एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स कि आपको उसको एक्सप्लेन करना है, उसमें थोड़ा बहुत ऐड करना है अपना. सो टेक्स्ट के अक्रॉस भी आ सकता है, टेक्स्ट के बाहर से भी आ सकता है. तो ये चैप्टर्स आना है मैडम राइज द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल प्ले, चार चैप्टर है गाइज आप लोगों के.
देन पोम्स आपके तीन हैं, अमांडा एनिमल्स और द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, और जो दूसरी बुक है आपकी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट नेकलेस एंड द हैक ड्राइवर आने वाला है, भोली भोली आ जाएगा गाइज आप लोगों का। तो ये सेक्शन सी में आने वाले हैं आप लोगों के, उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे, सेक्शन ए में आपको और बी में 10-10 मार्क्स के होने वाले दोनों, और सेक्शन सी 20 मार्क्स का और इंटरनल्स में 10, तो ये हो जाता है आपके 40 एंड 10 मिला के 50। तो इस बार टर्म 250 का, टर्म 150 का था, दोनों मिला करके आपका रिजल्ट आने वाला है। जब भी आएगा मई के बाद पेपर हो जाएंगे ख़त्म, तो जून जुलाई अगस्त तक, ठीक है गाइज। सो आपको आई होप कि टर्म 2 के लिए 10th का सिलेबस क्लियर, तो पढ़ना चालू कर दे, बोर्ड्स के लिए 12th के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे होंगे, और इसके सारे हम करवाएंगे जो आपने सिलेबस में देखा है, चाहे एनालिटिकल पैराग्राफ हो बोर्ड पे समझाएंगे आपको, चाहे वो आप लोगों के चैप्टर्स के रिवीजन हो और लिटरेचर, और मैं ज़्यादा फोकस करूँगा ग्रामर पे और राइटिंग सेक्शन पे। लिटरेचर आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं, उसकी वीडियो समरीज देख सकते हैं, मैं डाल भी दूंगा कुछ। सो ऑल द बेस्ट गाइस, प्रिपेयर करें, थैंक यू।